Assalamualaikum friends, welcome back. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ. तो मैं आज बनाने जा रही हूँ एक बहुत मजे की न्यू व्लॉग. गेस करें क्या हो सकती है. चलें आप इतनी देर में सोचे, मैं आपको खुद ही बता देती हूँ. मैं आज बनाने जा रही हूँ व्लॉग. मैं आज सरप्राइज गिफ्ट लेने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए और अपने छोटे ब्रो के साथ. तो इतने देर में आप सोचिए कि मैं उन्हें कौन सा गिफ्ट कर रही हूँ. तो ये थोड़ा सा जो है ना गिफ्ट अनोखा है. अनोखा मीन्स के जनवरी में हमारी एनिवर्सरी भी होती है और उसके ठीक 3 दिन बाद 1 फरवरी को उनकी बर्थडे भी है. सो मैं एक ही गिफ्ट में उन्हें जो है ना टटका टटकू देती हूँ. तो इस दफा लॉकडाउन काफी है 15 जनवरी तक. तो सुबह से जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना हम पहले से ही ले आए जो है ना गिफ्ट. तो अभी आप सोचे मैं क्या गिफ्ट कर सकती हूँ. तो इतनी देर में हम चलते हैं मार्केट में मेरे साथ ही. So friends, आपका जो इंतजार है वो खत्म हो चुका है. आई मीन टू से 5 सेकंड तक हम पहुंचने वाले हैं. तो मार्केट देखा तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि मैं किस तरह का गिफ्ट लेने वाली हूँ. सो बी इंटेलिजेंट. तो आप गैस अपने और तेज करिए. तो हम इधर उतरने लगे हैं. लुक एट कौन सी मार्केट है. लेकिन अभी आप सोचिए कि मैं क्या ले सकती हूँ. इलेक्ट्रॉनिक चीजों में भी काफी चीजें आ जाती है ना, ऑप्शन बहुत ज्यादा है. सो लेट्स सी, अभी हम करेंगे गाड़ी को पार्क. इज टू गुड. फर्स्ट अटेम्प्ट पे हम पार्किंग लगा लेते हैं. वाओ कूल. देखिए इन्होंने मार्केट्स पे कितनी नाइस की हुई है लाइटिंग ऑल थिंग्स. लॉकडाउन है लेकिन इन्होंने अपने जो फेस्ट हैं वो तो सही तरह मनाने होते हैं ना. सो नाइस. इसलिए हम अभी हो रहे हैं इंटर. एंट्री के बाद एज यूजुअल जो हमने सैनिटाइजर यूज़ करना होता है और देन इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम रखा हुआ है बुखार चेक करने के लिए. फ्रेंड्स इधर लगे हुए हैं सारे आईफोन, सारे फोन्स वगैरह हैं. तो मैं डिसाइड कर रही हूँ मैं क्या लूँ. इट्स बिट डिफिकल्ट. सो छोटी छोटी बेटी को ले आऊँ वीडियो में जो पायाबू का गिफ्ट लेने आई है अपनी हाला के साथ. इच्छी डांस कर रही हो, इधर डांस करो. क्या लें ताऊ के लिए. सारिम को घर छोड़ के आई हूँ पापा के पास. उन्हें बहाना लगाया कि मैंने सारिम की कुछ चीज़ें ली. फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया मैं लूँगी अपने हस्बैंड के लिए एयरपोड्स प्रो. उनके पास नॉर्मल वाले थे लेकिन फ़ोन उन्होंने रिसेंटली चेंज किया तो मैंने सोचा क्यों ना एयरपोड्स प्रो दिए जाएँ जो लेटेस्ट आया. तो उन्हें पसंद थे तो इसलिए उनके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज होगा. तो ये एडवांस बर्थडे गिफ्ट होप सो कि उन्हें बहुत पसंद है. हमारे पास हम इतनी देर में वॉच देख लेते हैं. हमने फतूरा बनवा लिया है. फतूरा या हमारे प्रोडक्ट का कोड है और अभी हम जा रहे हैं इसकी पेमेंट के लिए. सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखे हैं. इतनी लंबी लाइन है कि पता नहीं कोई 3 घंटे तो लग ही जाएंगे मेरे खड़े खड़े. फ्रेंड्स अभी हमने पेमेंट कर दी है. एयरपोर्ट के लिए हैं अपने हस्बैंड की मैं खुशी देखना चाहती हूँ. काफ़ी टाइम से लेना चाह रहे थे लेकिन यही कह रहे थे अभी मेरे पास नॉर्मल. सो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं निसार को कैसे दूँ. ये मैं डायरेक्टली ये गिफ्ट नहीं देना चाहती ना. लाइक मैं करूँगी कोई ऐसी चीज़ में डाल के, मतलब उनको मैं एक्सप्रेशन देखना चाहती हूँ. सो घर जाते हुए अभी मैं चेक. अनु साड़ी किधर है.
मैंने सोच लिया सानी इसको मैं जूतों वाले डब्बू के अंदर रखूंगी, ऐसे मैं गर्ल्स उसके अंदर रखूंगी, वो जब खोलेंगे वो समझेंगे मैं उनके लिए शूज लेके आई हूँ, तो जब वो ओपन करेंगे ना देन आई विल सी हर हिज रिएक्शन। दो मिनट तक हम घर पहुंचने वाले हैं, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हुई हूँ। इची के कर रही हूँ टिम्बरलैंड के शूज, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है, उन्हें यही होगा कि मैं उनके फेवरेट शूज लेके आई हूँ, तो ऐसे मैं उन्हें ये गिफ्ट करूंगी, तो जब वो खोलेंगे तो अंदर एयरपोर्ट्स होंगे तो उनका रिएक्शन देखते हैं मेरे साथ। निसार मैं आपके लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेके आई हूँ, टिम्बरलैंड के शूज, एनिवर्सरी और प्लस बर्थडे भी। परसों से मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए हुए थे ना, सच्ची में आपके फेवरेट शूज हैं। लो सपेवो क्विस्टो क्वा, आपको कैसे पता? आपको पसंद थे ना? प्राइस अच्छा लगा। कितने के लेके आई हो? मैं जैसे आपको इधर बता दूंगी, गिफ्ट की तो कीमत होती है। तो ये सुनिए, ये आपका एनिवर्सरी प्लस बर्थडे गिफ्ट है, ओके? दोनों एक मीटर का रही हो। अल्लाह, से हाय, से हाय सैमी। सैमी के बाल कितने मैसी हुए हैं। तो फ्रेंड ये देखे अभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बताओ इसकी प्राइस बताओ, आप ही मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताए की क्या गिफ्ट की प्राइस बताते हैं, बताते हैं। ये क्या हुआ? कार तो मेरा यूज किया होगा। अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इसे खोल ले अनु, अनु दाओ को ये गिफ्ट करो ना, ये आप लेके आई हो ना। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे बताइए कि इसकी प्राइस बतानी चाहिए या नहीं, और मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। Woohoo!